ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा आसिफ को NA-73 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता रोज महफूज किया फैसला सुना दिया। फिरदौस आशिक अवान के कागजात की मंजूरी के खिलाफ भी अपील मुस्तरद। NA-53 से इमरान खान, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब और आयशा गुलालई के कागजात मुस्तरद होने का मामला। एपिलेट ट्रिब्यूनल आज आरओ के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत करेगा। आम इंतखाबात नामंजूर, नामंजूर। लाहौर में मुतादिद लीगी सियासतदानों के खिलाफ बैनर्स लग गए। NA-129 में सरदार अय्याज सादिक, PP-157 में ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ नामंजूर के बैनर्स लग गए। साबिक लीगी MPA वहीद गुल और बिलाल यासीन के खिलाफ भी लीगी कारकुन सरापा एहतजाज। शहबाज शरीफ का कराची में इंतखाबी मुहिम का दूसरा दिन। नून लीग के सदर आज भी कराची में मसरूफ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के हल्के NA-244 का दौरा करेंगे। खवातीन के वफ्द और मीडिया नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। लांडी दाऊ चुरंगी में जलसे से खिताब करेंगे। फारूक सत्तार के घर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाराज अराकीन को मनाने के लिए आने वाले सैयद सरदार अहमद खुद नाराज हो गए। कहते हैं, सियासत से रिटायर्ड हो चुका हूं, इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। शाहिद पाशा ने कहा, राबता कमेटी के सारे पोल खोलूंगा। जिलाई हुकूमतें नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाने में पेश पेश। बल्दिया गाड़ियों के इलेक्शन में मुहिम इस्तेमाल होने के शवाहिद मुखालिफीन ने इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी है। पंजाब में बल्दियाती सरबराहों के इख्तियारात महदूद करने की सिफारिश, खुसूसी रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज़ में शामिल। कबायली अवाम का आईनी हकूक के लिए इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा जारी। मुजाहरीन का कहना है, मसला हल होने तक उनका जीना मरना इधर ही होगा। अपने हक के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ भी मार्च करेंगे। नवाज शरीफ के बेटों और इसहाक डार को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वतन लाने का इम्कान। इसहाक डार असासाजात रेफरेंस में नवाज शरीफ के बेटे अल अजीजिया मिल और एवन फील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके वतन लाने के अहकाम पहले ही जारी कर चुकी। नैब का वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। चौधरी निसार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले नून लीगी उम्मीदवार गिरफ्तार। कमरुल इस्लाम को साफ पानी करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया। नैब तर्जमान के मुताबिक साबिक MPA पर 1 अरब से ज्यादा करप्शन के इल्जाम हैं। नवाज शरीफ ने कहा है, कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी का सुनकर बहुत दुख हुआ। चौधरी निसार की भी मुखालिफ नून लीगी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की मजम्मत। नैब हेडक्वार्टर्स को बारूद से उड़ाने की धमकी का इंकशाफ। निगरान वजीर दाखला मोहम्मद आजम खान ने नैब हेडक्वार्टर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पुलिस कमांडोज के हवाले, IG इस्लामाबाद की खसूसी हिदायत जारी। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी कहते हैं, नैब को वही लोग धमकियां दे रहे हैं जिनको नैब से खतरा है। नैब को चाहिए कि केसेस लंबा करने के बजाय करप्ट लोगों को अंजाम तक पहुंचाए।
शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। ख्वाजा हारिस छठे रोज भी अपने हतमी दलाइल जारी रखेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पेश नहीं होंगे। गुज़श्ता रोज अदालत ने दोनों को 3 दिन की हाजिरी से इस्तस्ना दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में जैनब के कातिल इमरान को सरेआम फांसी देने के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सरकारी वकील को तलब कर लिया। सरेआम फांसी की कानूनी हैसियत पर दलाइल दें, अदालत की सरकारी वकील को हिदायत। हब्बा की बेटी के लिए भारत दुनिया का गैर महफूज मुल्क करार। सिर्फ दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हर 2 घंटे में एक खातून को अगवा कर लिया जाता है। खवातीन से ज्यादती, जिंसी हरासा और तशद्दुद करने वाले टॉप 10 ममालिक में अमरीका भी शामिल। आलमी तंजीम के 550 मुहक्किकीन की रिपोर्ट, फहरिस्त में पाकिस्तान का 6ठा नंबर। हवाई के आतिश फिशा ने फिर तबाही मचा दी। 24वीं बार धमाका, लावे की रफ्तार 15 मील फी घंटा हो गई। हुक्काम की शहरियों को लावे से दूर रहने की हिदायत। और चीन में तलबा का यूनिवर्सिटी की पहली सालगिरह मनाने का मुनफरिद अंदाज। यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद एक सुरंग को रोशनियों से सजा दिया गया। शाम के साए ढलते ही कोसुगजा के रंग बिखरे तो देखने वाले दंग रह गए।